आज गूगल शीट की बात करने वाले हैं और एक खास फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट कर लेते हैं। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्मूला काम कैसे करेगा वो आपको दिखा देता हूं। बहुत ही इजी है और इस तरह का कोई फॉर्मूला आपको कम से कम गूगल मिलने वाला। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए कि कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं, लगा दिया। अब क्या करना है, अब यहां पर 2 को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब एक्सपोनेंट बनेगा कैसे, तो देखिए कीबोर्ड में अल्फाबेटिक बटन जो होता है उसमें ऊपर दिया होता है 6, तो 6 को शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये दूसरा 2 पे पावर कितना लगाना है, 4 लगाना है, इसी का मतलब एक्सपोनेंट होता है। तो यहां देखिए ऊपर ही दिखा रहा है कि 16 होगा, तो ये देखिए ऊपर आ गया, ये 16 आ गया। ठीक है, अब इसको यहां से नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए चले जाइएगा तो एक एक का आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूं, इज इक्वल टू का निशान लगाया फिर इसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करता हूं। अब ये देखिए 4 है ना, तो 4 का पावर 2 करता हूं, तो फिर अब एक्सपोनेंट का साइन लगाना है, तो वही शिफ्ट के साथ अल्फाबेटिक बटन 6 प्रेस कीजिए और फिर अब 2 पावर लगाना है, तो 4 जाए कितना होता है, 16 होता है, पता ही है आपको, तो ये 16 आ गया। और ये देखिए सजेस्टेड ऑटोफिल भी आ रहा है, अगर सजेस्टेड ऑटोफिल आप कर देते हैं तो ये हर एक का पावर निकाल करके हमें दे देगा, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है और बहुत ही शानदार है तरीका ये। और कोई भी इस तरह से आपको एक्सपोनेंट निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 7 का एक्सपोनेंट निकालना हो, 8 का निकालना हो, या कोई भी जैसे मान लीजिए मैं आप कर देता हूं 73 का एक्सपोनेंट 2 करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये क्या होगा ना, ये यहां से पकड़िए और इसी को ड्रैग कर दीजिए, यहां से ड्रैग कर देंगे ये भी आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये एक्सपोनेंट फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।